नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। दरअसल आपको ये जानकारी दे दें कि अरविंद केजरीवाल जो हैं लगातार अपने आप को ऐसे बेकसूर साबित कर रहे हैं, जिससे मानो ऐसा लग रहा है कि जनता करोड़ों के शीश महल को भूल जाएगी, शराब घोटाले को भूल जाएगी, क्या कुछ रहा कोविड के टाइम पे ये सब भूल जाएगी। अब हाल ही में अन्ना हजारे का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जहां पर अन्ना हजारे ने कहा है कि जो गलत है उसे सजा जरूर मिलेगी। दरअसल बीते दौरान अन्ना हजारे ने आज तक से बातचीत के दौरान तमाम बातों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि सीबीआई को कुछ दोष दिखाई दिया होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में, तभी वो जो है ये तहकीकात कर रही है। यदि मैं भ्रष्ट हूँ तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। इस मुद्दे पर अन्ना हजारे का बयान सामने आ गया था जो अरविंद केजरीवाल ने दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि गलती की है तो सजा तो होनी चाहिए ही। यकीनन ही अन्ना हजारे भी यही चाहते थे कि जो है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पर जिस हिसाब से सीबीआई की पहले बैठक भी बैठ चुकी है और कहीं ना कहीं घोटाले भी जो सामने आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर, तो अन्ना हजारे भी कह रहे हैं जो गलत है उसे सजा होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं अन्ना हजारे भी यकीनन ही पछताते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल क्यों उनका साथ दे रहे थे जब वो अनशन पे बैठे थे, क्यों अन्ना हजारे का नाम अरविंद केजरीवाल के साथ आज भी जोड़ा जाता है। और कहीं ना कहीं देश की जनता भी यहाँ पर बहुत भड़कती हुई अरविंद केजरीवाल पे दिखाई दे रही है। क्या कुछ है आपकी राय, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक। धन्यवाद।